अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमें जो है वो प्लैटिनम को डिस्कस करना है, जो कि है इनहेरिटेंस ऑफ नोबल मेटल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने गोल्ड को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, हमने जो है वो सिल्वर को डिस्कस कर लिया है। आज हमने जो है प्लैटिनम को डिस्कस करना है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये कि ये जो है वो ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। उसके अलावा रेजिस्टेंट टू टार्निश होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा क्या होती है, ये स्ट्रेंथ भी होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है, समवट ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग इसको जो है वो ज्वेलरी आइटम्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग इसको सेटिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेटिंग मतलब बेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं जेम स्टोन्स के लिए और डायमंड्स के लिए। इसको डायमंड और जेम स्टोन्स की बेस बनाने का की वजह क्या है कि ये अगर आप अक्सर आपने देखा होगा कि जो रिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो डायमंड रिंग्स होती हैं, जेम स्टोन वाली रिंग्स होती हैं, तो उनकी जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, जैसे कि ये आपके पास इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे रिंग बनी हुई है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो चाहे जेम स्टोन हो चाहे वो डायमंड हो, ठीक है, लेकिन ये जो रिंग है ना वो प्लैटिनम की है। प्लैटिनम को एज एन बेस ऑफ द रिंग यूज़ करने का मकसद क्या है कि ये उसकी ब्रिलियंस को इन्हेंस कर देंगे। किसकी ब्रिलियंस को, जेम्स की या फिर किसकी, डायमंड की, ठीक है। तो उसकी ब्रिलियंस को इन्हेंस करने के लिए इसको रिंग के में जो है वो बेस के तौर पे यूज़ किया जाता है, जेम स्टोन या फिर डायमंड के नीचे, ठीक है। उसके अलावा ये कैटलिटिक कन्वर्टर के तौर पे भी एक्ट करता है, और इसमें हम लोग जो है वो जैसे प्लैटिनम है, ठीक है, उसके अलावा प्लैडियम है या फिर रोडियम है, इन तीनों मेटल्स को के मिक्सचर को हम लोग जो है वो एज ए कैटलिटिक कन्वर्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। कैटलिटिक कन्वर्टर क्यों यूज़ करते हैं, और जो आपकी ऑटोमोबाइल से इतनी ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए भी, इवन कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है, थीके? तो उनको जो है ये जो प्लैटिनम प्लैडियम और रोडियम का मिक्सचर है, ठीक है, जिसको आप लोग कैटलिस्ट कह रहे हो, तो ये जो है एज ए कैटलिटिक कन्वर्टर के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। आप लोग ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज़ करोगे, ठीक है, जो आपकी टॉक्सिक गैसेज निकल रही हैं, जो कि आपके पास नाइट्रोजन आपके पास है, डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये टॉक्सिक गैसेस हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, इनको यूज़ करने के बाद नाइट्रोजन में और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, उसके अलावा वाटर वेपर्स में। अच्छा, ये लेस हार्मफुल कैसे होगी, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में चली जाएगी, ठीक है, जिसको ऐसा तो यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल में इसका रोल होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा वाटर वेपर्स भी जो हैं वो आपके एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, इनका भी कोई इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता फिर, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग इसको यूज करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव्स की कोटिंग्स में, ठीक है। प्लैटिनम जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो आप लोग कंप्यूटर्स में अक्सर आपने देखी होंगी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ठीक है, तो उनकी जो कोटिंग वगैरह होती है ना वो भी प्लैटिनम से की जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग इसको किस में यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में इसकी कोटिंग की जाती है, उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स यानी कि जो इस तरह की हमने वायर्स घरों में वायरिंग होती है ना हमारी, ठीक है, जो केबल्स वगैरह होती हैं, तो अगर इसका ये वाला पार्ट खोलें तो हमें इस तरह की वायर नजर आती है, तो ये ज्यादातर पहले जो है वो कॉपर वगैरह की यूज होती हैं, ठीक है, लेकिन अब जो है वो फाइबर की, ठीक है, ये यूज हो रही है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि बिल्कुल पतली पतली सितारे होती हैं ये, ठीक है, जो कि थोड़ी सी शीशा नुमा होती हैं, ठीक है, यानी कि ग्लासी ग्लासेस होती हैं ये, तो इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो रहा है इनका, फाइबर ऑप्टिक्स का, इनके केबल्स में भी यूज़ हो रहा है, आपके जो सेल फोन्स हैं उनके अंदर जो वायरिंग होती है वो भी फाइबर ऑप्टिक्स की होती है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द दूसरी वाली वायरिंग, ठीक है। उसके अलावा हम लोग इसको किस में यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम लोग इसको यूज़ करते हैं फाइबर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में। फाइबर ग्लास यानी कि बहुत पतला सा फाइबर होता है, ठीक है, जो कि ग्लास लाइक होता है, ठीक है, तो फाइबर ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा हम लोग जो होता है ना हमारे पास, जैसे कि आपके पास है प्लास्टिक और फाइबर, ठीक है, प्लास्टिक एंड ग्लास, तो आप लोग LCD होती है आपकी, ठीक है, LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, जो कि अक्सर घरों में होती है कंप्यूटर के साथ, ठीक है, यानी कि CPU के साथ जो है वो LCD लगाई होती है, ठीक है। अब तो कंप्यूटर्स बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, जो मॉनिटर्स वगैरह होते हैं वो तो बहुत कम जो है वो, यानी कि जो बड़े वाले मॉनिटर्स होते हैं, अब तो LCD चल रही है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर्स डिस्प्ले करके दिखाएगा, ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में जो प्लास्टिक है और जो ग्लास है, आपको पता है उसके पीछे जो है वो प्लास्टिक लगा होता है, LCD के पीछे प्लास्टिक लगा होता है, और उसके आगे क्या लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है,
तो इन दोनों चीजों को रेनफोर्स करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या है, इसको ये ज्यादा जल्दी खराब ना हो, ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्लैटिनम यूज किया जाता है। इन दोनों एलसीडी में जो दो चीजें यूज होने वाली हैं, जो मेन चीजें हैं, प्लास्टिक भी तो पीछे लगा होगा और एलसीडी जो कि आगे लगी होगी, इन दोनों चीजों को रेनफोर्स करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोग जो चीज यूज करोगे वो होगी, जो मेटल यूज करोगे वो होगी प्लैटिनम, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेक श्योर टू लाइक शेयर योर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, और बिल्कुल इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और इसी तरह से आपका कोई भी इशू हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे ईमेल पे, मेरे ट्विटर अकाउंट पे, ठीक है, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।